नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। चंडीगढ़ पुलिस 7 नवंबर से 12 नवंबर तक पुलिस वीक मना रही है। इसी के मद्देनजर चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी कुलदीप सिंह चहल के दिशा निर्देश के मनीमाजरा पुलिस डिवीजन के डीएसपी एएसपीएस एसपीएस सोंदी की सुपरविजन में आईडी पार्क थाना प्रभारी रोहतास यादव, मनीमाजरा थाना प्रभारी जयसपाल सिंह मौली जांगरा, थाना प्रभारी जयवीर सिंह राणा की देखरेख में सुबह सुबह मैराथन निकाली गई। यह मैराथन आईटी पार्क थाना से लेकर रेलवे लाइन पॉइंट तक निकाली गई। थाना प्रभारी रोहतास यादव, थाना प्रभारी जयसपाल सिंह, थाना प्रभारी जयवीर राणा ने कहा कि चंडीगढ़ के हर थाना प्रभारी अपने अपने एरिया में कई कार्यक्रम के आयोजन कर रहे हैं। इसी के तहत हमने आईटी पार्क थाना से लेकर रेलवे पॉइंट तक मैराथन निकाली गई। यह मैराथन करीब 5 किलोमीटर की थी। मैराथन में कई प्रतिभागियों ने भाग लिया और विजेताओं को ट्रॉफी और कैश देकर उनकी हौसला अफजाई की और उन्हें नशे से दूर रहने का स्लोगन दिया। डिप्टी साहब, जिस तरीके से आज कबड्डी मैच का आयोजन किया गया है और सुबह आईटी पार्क थाना से जो मैराथन निकाली गई थी 5 किलोमीटर की, क्या कुछ है? जैसे आपको पता ही है, आप भी इस प्रोग्राम को सारा कवर कर रहे हैं, हमारे चंडीगढ़ पुलिस का हर साल की तरह इस बार भी ये चंडीगढ़ पुलिस वीक चल रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में हमारे मेरी डिवीज़न के तीनों SHO साहिबान ने सुबह से सबसे पहले मैराथन करवाई है जिसमें आप शामिल थे, और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये हमने जो मैच करवाया, जो कबड्डी के मैच थे, ये चंडीगढ़ और सराउंडिंग एरिए से बहुत बच्चे, जवान बच्चे और हमारी लड़कियां ने मैक्सिमम बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया। तो अभी इसी उपलक्ष्य के ऊपर हमारे SSP UD चंडीगढ़ श्री कुलदीप सिंह चहल भी अभी आपके सामने अभी आके गए हैं और सभी बच्चों का मान बढ़ाया, उनको उत्साहित किया है और उनको प्राइज़ हमारे SSP साहब दे के गए हैं। तो मैं अपने समाज को यही, अपने पुलिस की तरफ से, हमारे सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये नशों से दूर रहना चाहिए और हमारे समाज को बढ़ चढ़ के हमारे बच्चों को खेलों में और पढ़ाई में, स्टडी में और जो भी उनकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए काम है, इवेंट है, वो करने चाहिए। हाँ, SSP साहब का कहा जाए तो सिर्फ कबड्डी के लिए ही नहीं वो आते हैं, वो हर मैच के ऊपर, हर जो भी खेल है, वो हर टीम में, हर खेलों में आते हैं, हर प्लेयर का हौसला बढ़ाने के लिए वो एकत्रित होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो मैक्सिमम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। जहाँ जैसे आज भी आपने देखा कि प्लेयर्स को अप्रिशिएट करने के लिए उसने जो भी प्राइज़ मनी थी उसको डबल कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब एक चंडीगढ़ के SSP होने के नाते मतलब वो खेलों को इतना, प्लेयर्स को तरजीह देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि प्लेयर्स को भी मतलब उनकी जो बता के गए हैं शिक्षा के ऊपर चलना चाहिए, और मैक्सिमम दूसरे बच्चे भी हैं जो नहीं पढ़ते जहां और गलत साइड चले हुए हैं, उनको भी मतलब ये सारा कुछ गलत छोड़ के नशों से, जैसे हमारा ये नारा है से नो टू ड्रग्स एंड से येस टू लाइफ, इसके ऊपर चलना चाहिए, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। जोश आपने देखा है, बच्चों के बीच बहुत जोश है, जो बच्चे नहीं भी खेलते थे, जो खेलने आए थे, नहीं भी खेल रहे थे और जो उनको देख रहे थे, उनमें आपने देखा जोश बहुत ज़्यादा है, और कई बच्चों ने कहा कि हमें भी मतलब ये ट्रेनिंग दीजिए, और हमारे कोच साहब है, इनको बोला, रिक्वेस्ट करी है कि हमें ट्रेनिंग दीजिए, तो मैं भी इनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चे इनके पास आएंगे तो उनको भी कोच साहब आप रिक्वेस्टली सिखाइए जो भी वो चाहते हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है। नहीं, लोकल तो थे ही थे, बट चंडीगढ़ के सराउंडिंग एरिए से बहुत दूर दूर से प्लेयर आए हुए थे लोकल। युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे उनको ये हमारा नारा है से नो टू ड्रग्स एंड से येस टू लाइफ, इसके ऊपर चलना चाहिए और नशों से दूर रहना चाहिए और खेलों को अपनाना चाहिए। हाँ, मेरे जब से मैं यहाँ हूँ, मेरे SHO साहिबान लगातार इन ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, और मैं इनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम और भी आगे रखे जाएँ, और हम अपने ऐसे ऑफिसर्स को, सीनियर ऑफिसर्स को सभी को बुलाएंगे और बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए हर काम करेंगे जो भी मतलब उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हो। और सर, आपके एरिया में अभी आयोजन किया गया, इससे पहले भी आपने कबड्डी का आयोजन किया गया? ये सभी कुछ जो आयोजन हो रहा है हमारे सीनियर ऑफिसर्स के दिशा निर्देशों और उन्हीं के जो मार्गदर्शन है उसी के अनुसार
करवाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस वीक का जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं 7 नवंबर से 12 नवंबर तक, उसके उपलक्ष्य में हमारे DSP साहब और हमारे सीनियर ऑफिसर्स की डायरेक्शन पे ये एक विचार आया कि भी हम इस तरह एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, मैराथन करवाते हैं, कबड्डी करवाते हैं, ताकि बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें और उनको नशे से दूर करें, उनको जागरूक करें। तो आज हमारे सीनियर ऑफिसर्स की गाइडेंस के मद्देनज़र ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, बड़ा सक्सेसफुल रहा। हमारे SSP साहब, हमारे SP मैम ने इस प्रोग्राम में शिरकत की, वो पहुँचे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, गुड विशेस देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, तो बड़ा ही कामयाब रहा। और हम कोशिश करेंगे हमारे सीनियर ऑफिसर्स की गाइडेंस के तहत फ्यूचर में भी ऐसे प्रोग्राम्स करें, बच्चों के लिए अलग अलग तरह के इवेंट्स करवाएँ। थैंक यू। के नाम से नाम से स्टार्ट किया रोल है पारुल, जिस तरीके से यहाँ पर कबड्डी मैच का पुलिस द्वारा आयोजन किया है और आप भी लगातार कबड्डी खेलते आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इसके? सर, ये जो हमारे पुलिस स्टेशन वालों ने कराया था, जो पुलिस यहाँ पर हमारा हिमाचल का थाना है, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया था, तो हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें इतना सम्मान किया, लड़कियों के दो 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 इनाम रखे थे, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हमारे मनी माजर में रखा गया था, तो मैं सबका धन्यवाद करूँगा। बच्चों की बार बार पूछते रहे, पुलिस के हम बड़े धन्यवाद। हाँ सर, पुलिस के भी, कोचिज के भी, पूरे स्टाफ के, देखिए हमारे जो DSP साहब हैं, हमारे जितने SHO हैं, बार बार ऐसे प्रोग्राम करवाते रहते हैं और बच्चों की डिमांड है ये आगे भी ऐसे ही चलते रहें। कितना उत्साह, कितना इनको बूस्ट मिला है, ये बच्चियां कितने यहाँ से प्राइज लेके जा रही है। सबसे बड़ा नारा जो ये चंडीगढ़ पुलिस दे रही है कि से नो टू ड्रग्स से यस टू लाइफ, ये बहुत बड़ा युवा जो यहाँ पर आए थे उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज गया है। वी आर वेरी थैंकफुल टू चंडीगढ़ पुलिस। चंडीगढ़ पुलिस जिंदाबाद। चंडीगढ़ पुलिस जिंदाबाद। हेमराज जी, जिस तरीके से आज चंडीगढ़ पुलिस द्वारा पुलिस वीक को लेकर कबड्डी मैच का आयोजन किया, क्या कुछ कहेंगे? लगातार आप कबड्डी मैच कराते हैं, ये जो पुलिस ये कर रही है बहुत अच्छा है। इसके साथ पब्लिक, जो पब्लिक के दिमाग में डर होता है पुलिस से बात नहीं करनी, बच्चों का भी, सभी का ही एक तो डर खुल गया वो दिमाग में जो होता है, यहाँ पुलिस भी गलत कर दी है। चंडीगढ़ पुलिस तो है ही अच्छी, पढ़े लिखों का शहर है, यहाँ पे पुलिस तो गलत किसी का धक्का करती नहीं। दूसरा जो इन्होंने चलाया अवेयरनेस ये ड्रग से, बहुत अच्छा है। मतलब बच्चे नशे तो दूर जाने हैं, बच्चे खेडते हैं तो उन्होंने नशे दे उदा ही बच्चे दूर हो जाते, जो बच्चे खेलते हैं उन्होंने नशे की कोई जरूरत नहीं पैंती। इससे पहले भी एक मैच कराया गया था इंद्र कॉलोनी में जो कि नशे से लेकर था। हाँ जी, इन्होंने बार भी जो पुलिस वीक में आज जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है, तो क्या कुछ कहेंगे आज जिस तरीके से तिगड़ी जो है इंस्पेक्टर्स की बात करें, IT पार्क थाना, मनी माजरा थाना, मौली जागरा थाना और समेत DSP, ये पहला थाना इको सी मनी माजरा जी का, हुण तीन थाने बन गए, तो उस बुलाने जो सारा इको एरिया तो किसी एरिया बड़ा हो गया, पब्लिक ज़्यादा है, उसके तीन थाने बन गए, वो कट्ठे होने हैं, बहुत चंगा लगता। चलो ठीक है, एक तो जो क्राइम वो घट गया, साढ़े तो चलो है नहीं सी क्राइम, उरे बड़ा घट सी, जो उधर हूँ थोड़ा बहुत मौली जंगल से उत्थे अलग अलग हो गए, नहीं उरे रात को थाने धक्के पैंदे सी, रात को क्राइम उत्थे उन्हां कोई गलबात किते होर किते जाने योग हुंदे नहीं सी, अज हुण बहुत वधिया हो गया, उत्थे कंट्रोल कर लिया, इधर कर लिया, उधर मौली जंगल दा उन्हां ने उत्थे कंट्रोल। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।